तो देखते हैं आज की खास खबर। आज समाजवादी सेकुलर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के दिल्ली से लौटते वक्त सुकुहाबाद में पूर्व विधायक एवं सपा नेता जावलाल यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि नेता झाऊलाल यादव बहुत ही अच्छे इंसानों में विधायक जी गिने जाते थे। हम काफ़ी समय से उनके साथ रहे, उनके बीच कभी भी मतभेद नहीं हुआ। समाज के साथ साथ वह सभी को एक समान पहचानते थे। उन्होंने विधायक झाऊलाल यादव के पुत्र उपेंद्र यादव उर्फ लल्ला और उनके परिवार को धैर्य प्रदान किया। उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि समाजवादी सेकुलर मोर्चा उत्तर प्रदेश में सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। उन्होंने फिरोजाबाद सीट पर भतीजे अक्षय यादव के खिलाफ प्रत्याशी उतारने के सवाल पर कहा, समय आने पर होगा विचार। श्रद्धांजलि देने वालों में राजकुमार, संत कुमार, प्रमोद कुमार, सुजान सिंह, डॉक्टर दिलीप को यादव, अनिल यादव, मास्टर अजब सिंह यादव, आसुनी यादव, राजू यादव, पूर्व नगर अध्यक्ष हाकिम सिंह, अशोक यादव, बीनेश यादव, अरुण तिवारी, मीना राजपूत, मंगल यादव, विजय यादव, जीतू यादव, निर्बल यादव, काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। तो देखते हैं ब्रजेश राठौर की ये रिपोर्ट। आई सर, आप आए हैं श्रद्धांजलि देने, क्या है? अरे एक मिनट, बहुत प्रिय थे और सब लोग बहुत ही अच्छे संबंध थे हमारे, हमने उनके साथ काम भी किया है और राजनीति के साथ साथ समाज के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। तो उनके न रहने से हम लोग बहुत दुखी हैं, तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं, तो संवेदना उनके परिवार को देने आए हैं। नेताजी, जो सेकुलर मोर्चा है वो कितने सीटों चुनाव लड़ेगा प्रदेश में? सभी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों का चुनाव है। नेताजी, फिरोजाबाद में आपके भतीजे अक्षय सांसद अक्षय यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने आप किसको अपना प्रत्याशी बनाना है, उतारेंगे या नहीं? अब समय आने दो, ठीक है।